Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. So video का title देख के ऊपर आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है और आज आपको एक मिलने वाला है, एक नया पर्सन को साथ मिलने वाला है आपको वीडियो के बीच में. सो अभी फिलहाल मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है, सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको खूबसूरत सफर पे कसोल के. ओके मम्मी, बाय बाय. मम्मी बाय बाय. बाय बाय भैया. तो आज मैं आ चुका हूँ एक नए सफ़र के साथ आप लोगों के बीच और आज मैं आया हूँ कसौल में. कल रात को करीब 7 बजे निकला था अपने होम टाउन फरीदाबाद से और आज करीब 8:30 बजे मॉर्निंग में मैं कसौल पहुँच गया. करीब 14 घंटे की ड्राइव के बाद मैं कसौल आया और यहाँ पे मौसम बहुत ही शानदार था. काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रात को, आई थिंक बारिश भी हुई है. सारे रोड्स काफ़ी ज़्यादा गीले थे, रोड पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा रोड गीले थे. तो मैंने कुछ लोकल से पूछा था तो उन्होंने बताया सुबह 5 बजे भी बारिश हुई है यहाँ पर. तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी झलक यहाँ के प्यारे से मौसम की. और एक मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इस बार मैंने ड्राइव तो अकेले की है लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूँ. इस बार मेरे साथ आई है मेरी वाइफ, जिनको मैं मिलाऊंगा आपको थोड़ी देर में. तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम जो कि बहुत ही शानदार है और मेरे रूम की जो विंडो है उसी से इतना शानदार व्यू आता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर. दिस इज़ द एंट्री ऑफ माय रूम. यहाँ पर मैं सोया था थोड़ी देर के लिए और ये रूम है छोटा सा, लेकिन सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे जो विंडो है, इस विंडो से पूरा बढ़िया नज़ारा दिखता है. बेड पे सोते हुए भी आप देख सकते हैं और जब इस बालकनी पे जाते हैं इस गेट का यूज़ करके तो कुछ इस तरह के नज़ारे यहाँ दिखते हैं. मैं हूँ मार्च के महीने में तो मुझे ये होटल काफ़ी सस्ता पड़ा है. सिर्फ ये होटल मुझे 600 रुपये में पड़ा है. हम 2 लोग रुके हैं इसमें एक नाइट के लिए. चलते हैं फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं आज के डे टूर के लिए. सो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी अपने डे 1 को एक्सप्लोर करने के लिए. तो फटाफट देखते हैं कि मेरी वाइफ अभी रेडी हुई है नहीं हुई. ओह फाइनली हो गई है रेडी. सो आप लोगों ने इसे मेरे इस व्लॉग से पिछले व्लॉग में देखा होगा तो हमारी रिसेंटली मैरिज हुई है. तो कुछ कहना चाहोगे शिखा आप? हाँ, सो बेसिकली वैसे तो बाकी सारा कुछ आपके बारे में मैं ऑलरेडी पेट्रोल लव स्टोरी में शेयर कर चुकी हूँ. एवरीबडी नोज हियर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल शेयर इन योर व्लॉग्स. बोलती बंद हो गई इस लड़की की, वैसे बहुत बोलती है, आप इसकी बोलती बंद हो गई मेरे सामने. और ये कसौल की मार्केट है, लोकल मार्केट. हाँ, ये लोकल मार्केट है. अभी हमने कुछ परचेजिंग वगैरह तो इधर की नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट प्राइसेस. काफ़ी फेमस कैफे हैं यहाँ का, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग हियर. मून डांस कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है कसौल में और कसौल की मेन मार्केट के पास ही है. तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने सोचा मून डांस कैफ़े ट्राई किया जाए. तो हमने कुछ ऑर्डर किया है तो फटाफट वो आ जाता है और खा के फिर आगे बढ़ते हैं अपने. सो गाइस, कसौल में बेसिकली घूमने के लिए जो विदिन द कसौल है वो एक लोकल मार्केट है. लोकल मार्केट घूम सकते हो आप, वहाँ पे लोकल फूड ट्राई कर सकते हो. कसौल जो फेमस है इजराइलियन फूड और इटालियन फूड वगैरह के लिए फेमस है तो आप वो ट्राई कर सकते हो. काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं कसौल के अंदर. एक कैफ़े में अभी मैं होके आया हूँ तो
तो आप विजिट कर सकते हो कैफ़े प्लस। अभी मैं जा रहा हूँ छलाल के लिए और यहाँ पे एक नेचर्स पार्क है जो यहाँ पर है। अभी शायद टाइम रहा तो मैं यहाँ पर भी होके आऊँगा नेचर्स पार्क में। एक छोटा सा ट्रैक है छलाल के लिए, काफ़ी छोटा है, 10-15 मिनट का। तो जो ये पूरी है ये पार्वती वैली है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे जो बह रही है पार्वती रिवर, बहुत ही नीट एंड क्लीन वाटर इसका। हाँ तो शिखा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बेसिकली हम अब बढ़ रहे हैं छलाल विलेज की तरफ और आप रास्ते में जो देख रहे हैं इतना सुंदर नज़ारा वो है पार्वती वैली, पार्वती नदी का। बेसिकली जो ये सामने रिवर बह रही है बेसिकली पार्वती रिवर है और ये पूरी वैली पार्वती वैली है। ये काफ़ी छोटा सा रास्ता है छलाल विलेज जाने के लिए, आपके लिए तो काफ़ी होगा ये रास्ता। हाँ मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रैक है, बोलूँ छोटा ट्रैक क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रैकिंग करनी है। 15-20 मिनट का ट्रैक है बेसिकली और बहुत छोटा सा ट्रैक है और रास्ता ही बहुत बहुत पतला सा रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके साइड में ही रिवर बह रही है एजेंसी। बात हुई थी कुछ लोगों की तो उन्होंने बोला था कि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि नशा या मतलब नशेड़ी टाइप लोग विजिट करते हैं कसोल को, अगर आप नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डेफिनेटली यू शुड गो देयर वंस। तो बेसिकली मुझे लगता है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करने जा रहे हैं किस ट्रिप पे। बेसिकली अपनी खुद की मर्ज़ी है कि हाँ। सबको पता है कसोल किस चीज़ के लिए फेमस है, हाँ, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें करने में हाँ। तो आप ले सकते हो, हम ऐसा कोई शौक नहीं है। तो हाँ मैं इंजॉय करते हैं वैसे ही घूम घाम के मज़े लेते हैं ब्लॉग बना के। नेचर को इतनी प्यारी रिवर बह रही है, सी क्या व्यू है, मतलब सामने से ना जो देखते हैं वो कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता, इतना प्यारा व्यू होता है एक्चुअली में। तो आई मस्ट से कि सबको एक बार विजिट करना चाहिए, इतनी प्यारी जगह है, आजकल काफ़ी फेमस है, हर कोई आ रहा है आजकल, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। यहाँ पे रास्ते में छलाल विलेज जाते हुए जो छलाल ट्रैक है रास्ते में काफ़ी सारे कैफ़ेज आते हैं, तो उसमें से एक कैफ़े यहाँ पे भी ये भी है शांति कैफ़े, और साथ में हमारी पार्वती रिवर बहते हुए। जो लोग छलाल विलेज रुकना चाहते हैं या छलाल विलेज के ट्रैक के बीच में रिवर साइड कैंप्स में रुकना चाहते हैं, यहाँ पे रिवर साइड कैंप भी हैं, तो आपको दिख रहे होंगे वीडियो में यहाँ पे रिवर साइड कैंप्स में भी रुक सकते हैं। सामने रिवर है, यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं तो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं रिवर साइड कैंप्स में। कहते हैं ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, बट यहाँ का सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम कि पार्वती वैली पार्वती नदी आपके साथ खुद ट्रैक कर रही है, बिकॉज लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कूड़ा मचा रखा है यहाँ पे। ये लड़की छलाल विलेज के छोटे से ट्रैक पे अभी से थक चुकी है और चलने का नाम नहीं ले रही है, चल लो मारा नहीं। सिर्फ छोटा कहने के लिए है, मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे बहला फुसला के इस ट्रैक पे लगा गया है कि छोटा सा ट्रैक है, लेकिन अब मैं कम्प्लीटली थक चुकी हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। है तो छोटा सा ही, लेकिन इसको बोला गया था 15 मिनट का ट्रैक है लेकिन एक्चुअली में वो 1 घंटे का ट्रैक है, 45 मिनट्स to 1 घंटे का ट्रैक है। ये धोखेबाजी हुई है मेरी, तो अभी बेचारी वापस तो जा नहीं सकती, मेरे साथ आना ही पड़ेगा। हेलो, आपने मेरे साथ थक गई, चलो ऊपर जल्दी से, उठो 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 फटाफट उठो, चलो। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पार्वती रिवर। छोटा सा ट्रैक है छलाल विलेज का लेकिन मज़ा आ गया। रिवर साइड जब बैठे पानी में पैर डाल के तो बिल्कुल
इतना ठंडा पानी है, चिल्ड पानी, मतलब फ्रिज में से निकलता हुआ, मतलब फ्रिज की बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा पानी। आपकी सारी थकान उतर जाएगी एक बार आप अगर उस पानी में नहा लेंगे या हाथ पर भी बोलेंगे। नहाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें वरना अगले दिन उठ नहीं पाओगे। और अभी फटाफट से चलाल ब्रिज पे फोटो क्लिक कराते हैं कुछ अपने इंस्टाग्राम के लिए। चलाल विलेज आए, कसौल आए और चलाल ब्रिज पे फोटो ना खींचना चाहिए तो क्या कराया। सो गाइस, ये है वर्ल्ड फेमस कसौल चलाल ब्रिज, और कसौल आए और चलाल ब्रिज पे फोटो ना खिंचवाई इंस्टाग्राम के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और आप उनको देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ऊपर लिंक आ रही होगी इंस्टाग्राम की। सो गाइस, कसौल की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा होटल इधर है सामने, और वहाँ से उतरते ही यहाँ पे जो सेकंड प्लेस है नेचर्स पार्क कसौल, तो ये है। चलो इसमें एंट्री लेते हैं और यहाँ थोड़ा देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो गाइस, 20 rupees पर पर्सन की टिकट है नेचर्स पार्क की, तो 40 rupees हमने पे करे हैं नेचर्स पार्क के। सो कुछ ऐसा नेचर्स पार्क है यहाँ का, एक चिल्ड्रंस के लिए पार्क टाइप में बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, कि बच्चे वगैरह झूला झूल सकते हैं, खेल सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो पार्वती रिवर है उसके लिए भी रास्ता निकला हुआ है कि लोग वहाँ जाके पार्वती रिवर के पास ही बैठ सकते हैं, यहाँ पे झूला झूल सकते हैं। यू कैन सी कुछ बड़े लोग भी झूला झूल रहे हैं, मेरी बीवी का भी मन कर रहा है झूला झूलने का। बिल्कुल। तो गाइज, आज की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मणिकरण गुरुद्वारा एंड शिव जी का टेम्पल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा, यू कैन सी हॉट वाटर स्प्रिंग्स देयर, जो फेमस है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। सामने से काफ़ी ज़्यादा भाप निकल रही है, काफ़ी सारी मान्यताएँ हैं, कथाएँ हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है। यहाँ पर अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग भी है जिसके अंदर लोग, जिसमें अंदर इतना गर्म पानी है जो लोग अपने चावल और स्वीट पोटैटो ऐसी चीज़ें उबालते हैं, और जो गुरुद्वारे का लंगर खाना बनता है वो भी उसी गर्म पानी का यूज़ करके बनता है, उसी के अंदर वो सारा खाना उबाला जाता है। तो अंदर करके देखते हैं कि हम वो काम कैसे कर सकते हैं, हमें अगर अपने चावल उबालने हैं तो हम ट्राई करते हैं उस चीज़ करने। तो गाइस, यहाँ पे हॉट वाटर स्विमिंग भी है, तो इसमें लोग नहाते हैं यहाँ पे इस हॉट वाटर स्विमिंग में। तो मैंने हाथ डाल के कोशिश की है, पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म आ रहा है सपने, और सामने लोग नहा भी रहे हैं। तो यहाँ पे सबको लंगर खिलाया जाता है, ये लंगर घर है, सामने सेवा की जाती है, बर्तन माजे जाते हैं, वहाँ पर गर्म पानी से भाप के यूज़ करके चाय बनाई जा रही है। सो गाइस, ये है यहाँ का शिव मंदिर मणिकरण का। तो ये जो सामने मूर्ति है शिवजी भगवान की, हमेशा भाप में तपती रहती है, हमेशा भाप में रहती है। ओह, आप देख सकते हो कि कितना पानी खोल रहा है, यहाँ पे पानी उबल रहा है और उसी में खाना पकाया जा रहा है, मटके के अंदर मटके ढके हुए हैं और कितना पानी उबल रहा है, दोबारा आ रहे हैं इसमें। क्या क्या भी है उसमें? चावल चने। चावल है और चने हैं। हाँ जी। चने काले चने? काले चने दे दीजिए। 20। हाँ, एक ही बहुत है, एक ही। 20 रुपये इसमें डालो और धागा बांध देना कि धागा टूट जाए। उबाल कितना तेज आ रहा है इसमें? उबाल कितना तेज आ रहा है पानी में? चने उबलते हुए